सो हेलो गाइस, वेलकम टू द 14th वीडियो ट्यूटोरियल ऑन एसक्यूएल फॉर बिगनर्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ वी कैन जॉइन थ्री टेबल्स बेस्ड ऑन सम सर्टन फील्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर वंस अगेन इनटू द एसक्यूएल वर्क बेंच, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है आपको ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए तीन टेबल्स बना के रखे। टेबल वन जिसके अंदर मैंने दो फील्ड दिए हैं जो कि है आईडी और क्रिएटेड ऑन, टेबल टू जिसके अंदर है आईडी और पर्सन नेम, और टेबल थ्री जिसके अंदर है आईडी और अकाउंट नेम। और यहाँ पे सब सारे के सारे टेबल्स में मैंने जो प्राइमरी की है वो आईडी को ही दिया है, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर हम इन इन तीनों टेबल्स के अंदर एक जॉइंट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इन टेबल्स में क्या क्या डेटा एंटर किया है। सो टेबल नंबर वन के अंदर मैंने आईडी फील्ड के अंदर रैंडम आईडीज डाले हैं, और इसका जो डेट है कोई तो एक रैंडम डेट डाल दिया है। फिर टेबल टू के अंदर मैंने फिर से रैंडम आईडीज डाल दिए और पर्सन के नाम डाल दिए कोई भी रैंडम। और टेबल थ्री के अंदर भी मैंने रैंडम आईडीज डाल दिए और अकाउंट का टाइप डाला है जो कि है प्राइवेट और पब्लिक। तो हम क्या करेंगे कि जो आईडी का जो फील्ड दिया है मैंने टेबल वन, टेबल टू और टेबल थ्री के अंदर, तो इसके बेसिस पे हम एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। तो ये कैसा होगा कि जो पहला टेबल है उसके सारे के सारे आईडीज डिस्प्ले कर होने चाहिए। फिर लेफ्ट आउटर जॉइंट में क्या होगा कि जो सेकेंड टेबल है उसके कॉमन आईडीज विद द टेबल वन वो भी डिस्प्ले होने चाहिए, और जो थर्ड टेबल है दैट शुड ऑल्सो शो लेफ्ट आउटर जॉइंट टू दिस टेबल विच इज टेबल टू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स ट्राई टू राइट द कोड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो आईडी जो मेरा फील्ड है टेबल वन के अंदर उसे मैंने एक अल्टरनेटिव नाम दे दिया है T1, और उसे मैंने डॉट ऑपरेटर के साथ मैंने इसे T1 नाम इसलिए दिया क्योंकि जब मैं जॉइंट परफॉर्म करूंगा तो वो टेबल को जॉइंट करने में इजी होगा। और यहाँ पे मैंने एलियासिंग नेम दे दिया है, एलियास नेम दे दिया है टेबल वन आईडी। तो इस लाइन को मैं कर देता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों जो आईडी फील्ड है तीनों टेबल के अंदर उसे मैंने एक नाम दे दिया है टेम्पररी नेम, दैट इज T1, T2 एंड T3, और सबको एलियास नेम दिया टेबल वन आईडी, टेबल टू आईडी और टेबल थ्री आईडी। सो नाउ लेट्स परफॉर्म द जॉइंट। तो हमें जॉइंट किस टेबल के ऊपर परफॉर्म करना है, सबसे पहला लेफ्ट आउटर जॉइंट हमें परफॉर्म करना है जो कि टेबल टू होगा ऑन टेबल वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड लिखेंगे टेबल वन टी वन, फिर हम लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म करेंगे ऑन टेबल टू टी टू ऑन टी टू डॉट आईडी इक्वल टू टी वन डॉट आईडी, और फिर मैं इस लाइन को कर दूंगा फिर से कॉपी। और अब ये लाइन में हम क्या लिखेंगे, अब हमें इस लाइन में टेबल थ्री का जो आईडी फील्ड है वो यूज करना है, इसलिए हम टेबल थ्री टी थ्री ऑन टी थ्री इक्वल टू T1। तो ये यहाँ पे वो आईडी इसको मैच करेगा जो कि टेबल थ्री के अंदर है, और देन एंड दैट विच आर कॉमन विद द आईडीज ऑफ द टेबल वन। सो नाउ लेट्स रन दिस कमांड। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे टेबल वन के सारे जो मैंने आईडीज दिए थे पॉपुलेट करते टाइम इस टेबल को, वो सारे आईडीज आ गए। लेकिन टेबल टू के अंदर जो वन है वो नहीं है, टू भी नहीं है, थ्री फोर भी नहीं है, लेकिन सिक्स जो है वो कॉमन है और नाइन जो है वो भी कॉमन है। और टेबल थ्री का जब हमने लेफ्ट आउटर जॉइंट परफॉर्म किया विद दिस टेबल वन, तो यहाँ पे जो है वन है वो कॉमन है, सिक्स है वो भी कॉमन है, और नाइन है वो भी कॉमन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज डू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।